प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजमा बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो सामग्री में हमने पूरी रात के लिए राजमा को भिगो दिया है, बढ़िया तरीके से फूलकर तैयार हो गया है और इसे करीब 4 से 5 सीटी तक हमने मीडियम हाई फ्लेम में पका लिया है। तो राजमा बढ़िया तरीके से पक कर तैयार हो गया है, ये देखिए। और हमने थोड़ा तेज पत्ता ले लिया है, 1 लाल तीखी मिर्च ले लिए हैं, थोड़ा अदरक महीन काट लिए हैं, 7-8 कलियां लहसुन ले लिए हैं, 2 बड़े साइज टमाटर ले लिए हैं, 1 बड़ी साइज प्याज बारीक काट लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच राजमा मसाला ले लिए हैं, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाला बढ़िया से फूल जाए। तो आइए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। कढ़ाई हमने गैस पर रख दिया है, कढ़ाई बढ़िया तरीके से गर्म हो चुकी है। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो अब हम कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं, जैसे 1/2 छोटा चम्मच जीरा, दालचीनी, जावित्री, लौंग, काली गोल मिर्च, 1 छोटी इलायची, तेज पत्ता। मसाला बढ़िया से चटक चुका है। अब हम प्याज, अदरक, लहसुन डाल देते हैं, जिसे हमने दरदरा पीस लिया है, और इसे बढ़िया से भून लेते हैं। अब हम लाल तीखी मिर्च डाल देते हैं, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज्यादा। अदरक लहसुन प्याज बढ़िया से भून गया है, ये देखिए कलर बढ़िया से चेंज हो गया है। अब हम मसाले डाल देते हैं, मसाले भी बढ़िया से फूल गए हैं, और मसालों को हमें इतना भूनना है कि जब तक मसालों में से खुशबू ना आने लगे तब तक हम मसाला भून लेंगे। मसाला बढ़िया से भून गया है, मसाला तेल भी छोड़ दिया है। अब हम पिसा हुआ टमाटर डाल देते हैं और इसे भी करीब 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम में भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तीन से चार मिनट तक हमने हाई फ्लेम में भून लिया है, ये देखिए टमाटर भी बढ़िया से भून गया है। अब हम उबला हुआ राजमा डाल देते हैं और उबला हुआ राजमे का पानी हमने फेंक दिया और इसे भी थोड़ा भूनेंगे। अब हम पानी डाल देते हैं, तो पानी डालकर हमने अच्छी तरीके मिला दिया है। अब हम 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं, इससे कई गुना टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम 6 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं, गैस अपने मीडियम हाई कर देंगे ताकि राजमा बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो जाए। 6 से 7 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे, ये देखिए बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो राजमा बनके तैयार हो गया है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे, ये देखिए। और हमारी इस रेसिपी को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस तरीके एक बार राजमा की सब्जी जरूर से जरूर बना के खाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे बना है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, आइए अब सर्व करते हैं। तो थाली में हमने चावल ले लिया है और राजमा निकाल लेते हैं। तो आज की रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसी तरीके की आप लोगों को नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यम्मी, मज़ा आ गया। तो आप भी बनाइए, खाइए।
तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।